हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्में जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में HG दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अयूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएटरिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात कर मूवी के कास्ट के बारे में, तो राकेश धवन के रूप में हैं अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में हैं विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेष तज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में हैं तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेष तज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में हैं नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में ही कीर्ति कुल्लारी, अंतरिक्ष यान सोयत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में ही शर्मन जोशी, पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को, जिसे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और
श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बाल्की के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के जी राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स की राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म में जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स होप प्रोडक्शन फॉक्स स्टार स्टूडियो अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और सरमन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अयूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात कर मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में है अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में है विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेषज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में है तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेषज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में है नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में है कीर्ति कुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेता
डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी। पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को, जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स के राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज़ की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अय्यूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 291.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म,
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में है अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में है विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेष तज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में है तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेष तज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में है नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में है कीर्ति गुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में है शर्मन जोशी, पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स की राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय,
विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अय्यूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएटरिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में हैं अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में हैं विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेष तज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में हैं तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेष तज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में हैं नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में हैं कीर्ति गुल्लारी, अंतरिक्ष यान सोयत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी, पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स की राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज़ की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन
डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्में जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अयूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात कर मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में है अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में है विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेषज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में है तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेषज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में है नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में है कीर्ति गुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी, पेलोड विशेषज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को, जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है।
निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स के राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स होप प्रोडक्शन फॉक्स स्टार स्टूडियो अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अय्यूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में है अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में है विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेष तज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में है तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेष तज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में है नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में है कीर्ति कुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी, पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया।
नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के जीव राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स की राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज़ की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अयूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 291.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में हैं अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में हैं विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेष तज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में हैं तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेष तज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में हैं नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में हैं कीर्ति कुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी, पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं।
बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को, जिसे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स की राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज़ की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अयूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात कर मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में है अक्षय कुमार,
वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में हैं विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेष तज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में हैं तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेष तज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में हैं नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में हैं कीर्ति गुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी, पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को, जिसे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स के राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज़ की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अय्यूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं।
अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में है अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में है विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेषज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में है तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेषज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में है नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में है कीर्ति गुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में है शर्मन जोशी, पेलोड विशेषज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज 18 के राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स की राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप
प्रोडक्शन फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अयूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात कर मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में हैं अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में हैं विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेष तज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में हैं तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेष तज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में हैं नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में हैं कीर्ति कुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी, पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को, जिसे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के जी राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स की राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी
और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अयूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने पुणे स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात कर मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में है अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में है विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेष तज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में है तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेष तज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में है नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में है कीर्ति गुल्लारी, अंतरिक्ष यान सोयत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी, पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो
70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स के राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अय्यूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में है अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में है विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेषज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में है तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेषज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में है नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में है कीर्ति गुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में है शर्मन जोशी, पेलोड विशेषज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी।
फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के जीव राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स की राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और सरमन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अयूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 291.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राकेश धवन के रूप में हैं अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में हैं विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा,
प्रणोदन नियंत्रण विशेष तज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में हैं तापसी पन्नू नेविगेशन विशेष तज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में हैं नित्या मेनन सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में हैं कीर्ति गुल्लारी अंतरिक्ष यान सोयत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी। पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को 5 नवंबर 2023 को जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के जी राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स की राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज़ की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स होप प्रोडक्शन फॉक्स स्टार स्टूडियो अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार विद्या बालन सोनाक्षी सिन्हा तापसी पन्नू नित्या मेनन कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय विक्रम गोखले दलीप ताहिल संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अयूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएटरिकल रूप से 15 अगस्त 2019
में भारत की स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात कर मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में है अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में है विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेषज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में है तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेषज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में है नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में है कीर्ति गुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेत्ता, डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में है शर्मन जोशी, पेलोड विशेषज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को, जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स के राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले
अंतर्ग्रहीय अभियान, मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और सरमन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अयूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में हैं अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में हैं विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेषज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में हैं तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेषज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में हैं नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में हैं कीर्ति कुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी, पेलोड विशेषज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2023 को जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स की राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है
जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अय्यूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने पुणे स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएटरिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 291.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में हैं अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में हैं विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेष तज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में हैं तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेष तज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में हैं नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में हैं कीर्ति कुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी, पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को जिसे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के
जी राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है। यह अब तक की अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स के राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स होप प्रोडक्शन फॉक्स स्टार स्टूडियो अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अयूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने पुणे स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात कर मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में है अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में है विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेषज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में है तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेषज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में है नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में है कीर्ति गुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी, पेलोड विशेषज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा
निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स के राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अय्यूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने पुणे स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में है अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में है विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेषज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में है तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेषज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में है नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर।
नेहा सिद्दीकी के रूप में हैं कीर्ति गुल्लारी। अंतरिक्षयान श्वेता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी। पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स की राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज़ की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स होप प्रोडक्शन फॉक्स स्टार स्टूडियो अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार विद्या बालन सोनाक्षी सिन्हा तापसी पन्नू नित्या मेनन कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय विक्रम गोखले दलीप ताहिल संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अयूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 291.59 करोड़ की कमाई की जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई।
65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में हैं अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में हैं विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेष तज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में हैं तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेष तज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में हैं नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में हैं कीर्ति गुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी, पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को जिसे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स की राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज़ की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म में जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं।
सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अयूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने पुणे स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात कर मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में है अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में है विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेषज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में है तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेषज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में है नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में है कीर्ति गुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेत्ता, डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी, पेलोड विशेषज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स के राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी।
वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स होप प्रोडक्शन फॉक्स स्टार स्टूडियो अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार विद्या बालन सोनाक्षी सिन्हा तापसी पन्नू नित्या मेनन कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय विक्रम गोखले दलीप ताहिल संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अयूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने पुणे स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में है अक्षय कुमार वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में है विद्या बालन वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा प्रणोदन नियंत्रण विशेषज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में है तापसी पन्नू नेविगेशन विशेषज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में है नित्या मेनन सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में है कीर्ति कुल्लारी अंतरिक्ष यान स्वेत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को 5 नवंबर 2023 को जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज 18 के जीव राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद
भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स की राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मिशन मंगल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जगन शक्ति द्वारा निर्देशित और केप ऑफ गुड फिल्म्स, होप प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, अरुणा भाटिया और अनिल नायडू द्वारा निर्मित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित, जिन्होंने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया। इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्लारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं। सहायक भूमिकाओं में एच जी दत्तात्रेय, विक्रम गोखले, दलीप ताहिल, संजय कपूर और मोहम्मद जिशान अय्यूब के साथ मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार की 2018 की फिल्म पैडमैन के सहयोगी निर्देशक शक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट सौंपी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई। मिशन मंगल को थिएट्रिकल रूप से 15 अगस्त 2019 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 251.59 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मिशन मंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब बालन सहित 7-6 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राकेश धवन के रूप में हैं अक्षय कुमार, वैज्ञानिक और मिशन मंगल निर्देशक। तारा शिंदे के रूप में हैं विद्या बालन, वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक। एक गांधी के रूप में सोनाक्षी सिन्हा, प्रणोदन नियंत्रण विशेष तज्ञ। कृतिका अग्रवाल के रूप में हैं तापसी पन्नू, नेविगेशन विशेष तज्ञ। वर्षा पिल्लई के रूप में हैं नित्या मेनन, सैटेलाइट इंजीनियर। नेहा सिद्दीकी के रूप में हैं कीर्ति कुल्लारी, अंतरिक्ष यान स्वेत्ता डिजाइनर और पेलोड हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। परमेश्वर जोशी के रूप में हैं शर्मन जोशी, पेलोड विशेष तज्ञ के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो 5 नवंबर 2018 को, 5 नवंबर 2023 को जिससे दिन मंगल ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन मंगल की घोषणा की गई थी। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी बाद में नवंबर के मध्य में शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में पन्नू ने शूटिंग का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया। शक्ति ने शुरू में अक्षय कुमार और विद्या बालन द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए मोहनलाल और श्रीदेवी को ध्यान में रखा था। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में आर बालकी के सहयोग निर्देशक के रूप में काम करते समय शक्ति ने
अक्षय कुमार को यह विचार दिया। नवंबर 2018 में फिल्म निर्माता राधा भारद्वाज द्वारा फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया था। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 70 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने टोटल 290 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स मिशन मंगल को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूज़ 18 के जी राजीव मसंदर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी और कहा है कि आखिरकार मिशन मंगल आनंददायक और मनोरंजक है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रवाद भी पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता है। निर्देशक जगन शक्ति एक अंतरिक्ष फिल्म पेश करते हैं जो बार बार आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरता है। हिंदुस्तान टाइम्स की राजा सेन ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि तथ्य अद्भुत है, लेकिन निर्देशक जगन शक्ति ने तेजी से और काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एक दलित कहानी बनती है जो अक्सर पसंद की जाती है, एक कहानी की तरह चलता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो यह फिल्म भारत में 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।